मिले उनका हमारा इतना जोरदार ताली बजाया। कहा गया है कि आदमी अगर चाहे तो इतिहास बदल सकता है और पाप में पुण्य कर। नमस्कार, मैं सूरज कुमार झा और आप देख रहे हैं बिहार दैनिक न्यूज चैनल। जैसा कि पिछले वर्ष भी हमारी उपस्थिति यहाँ पे हुई और हम बताते हैं अभी हमारी मौजूदगी बेला सिमरी चौक में है और जितेंद्र कोचिंग संस्थान में है। और यहाँ उपस्थिति का जो कारण है हम आपको बता दें, जो इस बार जो दसवीं कक्षा की एग्जाम हुई थी उसमें जूली कुमारी जो है पूरे बिहार में 11वां स्थान प्राप्त की है और खगड़िया जिला में अव्वल दर्जा उनको मिला है, अव्वल स्थान पे आई है। उनके सम्मान में यहाँ पे जितेंद्र कोचिंग के संचालक डायरेक्टर के द्वारा सम्मान सभा रखा गया, जिसमें जो अगल बगल के जितने भी पंचायत के और इस पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण मौजूद थे, सभी ने इनको सम्मानित किया, सभी ने उनको पुरस्कृत किया। आइए हम सीधा मिलाते हैं, सबसे पहले जूली कुमारी से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं जो उनको कितना मेहनत करना पड़ा इस स्थान को प्राप्त करने में और कितना क्या करना पड़ा, कितना पढ़ाई करना पड़ा जो वो बिहार में 11वां स्थान ले पाई है। सबसे पहले जूली जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपने मेहनत के बारे में बताएं, जो आपको कितना मेहनत करना पड़ा यहाँ तक आने में। पिछले बार मेरे को जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो प्रतिभा जो होती है किसी चीज की मोहताज नहीं होती है और लगन जो है सबसे बड़ा चीज होता है, जो मतलब छात्र छात्राओं के लिए चाहे मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर आप लगनशील हैं तो आपकी भविष्य स्वर्णिम जरूर होगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यह 13 घंटा लगभग स्टडी करते थे और काफी मेहनत की, और हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे जितेंद्र सर का भी, जो लगातार अपने प्रयास से, अपने कोचिंग संस्थान के सभी शिक्षकों के प्रयास से हर वर्ष बेला से प्रतिभा ढूंढ के निकालते हैं, हीरा तराशने का काम कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी, आप सबसे पहले तो बताएं, जो आप कैसे हर वर्ष इतना अच्छा अच्छा हीरा तराश लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। जैसा कि मुझे याद है पिछले वर्ष विद्या के आती आए थे, तो पिछले वर्ष भी हमने 464 नंबर दिया था और उस टाइम सूरज जी मेरे कोचिंग पधारे हुए थे। तो हमने अपने बच्चों के लिए प्रस्तुत किया कि चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए। यदि ये बच्चे गांव में रह करके 464 ला सकते, इस बच्चे को हमने ही पढ़ाया हमारे टीम ने और यही टीम आपके साथ काम कर रही है, तो आप भी इतना और इससे बेहतर नंबर ला सकते हैं। और हमने हमेशा से ये कहा कि सफलता किसी स्थान की मोहताज नहीं होती है। मतलब मेरा कहने का ये अर्थ है इस सेंटेंस के माध्यम से, यदि हमें या आपको सफल होना है ये कोई जरूरी नहीं कि यदि हम कोटा चल जाएंगे तो हम आईपीएस निकाल जाएंगे जी। यदि आप कड़ी मेहनत लगन के साथ एक सही कोचिंग संस्थान सही शिक्षक के मार्गदर्शन में यदि आप अपनी पढ़ाई को जारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से वो सारे के सारे मुकाम आप हासिल कर सकते हैं जो कि बच्चे सपना देखते हैं कि हम शहर नहीं जा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि गांव में भी हीरे होते हैं, गांव में भी हीरे होते हैं और उसे सिर्फ तराशने वाला एक सही कारीगर चाहिए और इस कारीगर का काम किया है हमारे कोचिंग की पूरी टीम ने और हमें अपनी टीम पर वर्षों से विश्वास रहा है। और हमारी ये खासियत है कि जो हमारी टीम का जो कॉम्बिनेशन है ये फर्स्ट क्लास नहीं है, हमारे टीम लगातार 5 वर्षों से जो हम फैकल्टी मेंबर हैं आपसी कॉम्बिनेशन के साथ हमारी टीम काम कर रही है और ये रिजल्ट आप पिछले वर्ष देखे थे, इस वर्ष भी देख रहे हैं। तो हम बीच की फैकल्टी को चेंज नहीं करते, हमारी खासियत है यदि हम नई फैकल्टी को सेशन के बीच मिलाते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस होगा। हम चाहते हैं कि उन्हीं टीम के साथ एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना करके आगे मेहनत करें, तो हम चाहते हैं कि आगे भी हम इस प्रकार का रिजल्ट देंगे। और मुझे भी थोड़ा सा दुख है कि मात्र 477 और 478 टॉप 10 गया था, एक नंबर का मुझे अफसोस है। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस कमी को मैं अगले साल पूर्ण करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि इन्होंने बताया जो पिछले वर्ष जो हाईएस्ट मार्क्स रहा था स्कूटी संस्थान का 464 था, तो कहते हैं जो रिकॉर्ड जो बनती है वो टूटने के लिए बनती है। इस बार इस चीज को साबित किया जूली कुमारी ने और इस बार 477 मार्क्स लेके बिहार में 11वां स्थान प्राप्त की, मात्र एक नंबर से चूक गई। 478 होने के बाद टॉप 10 में कौन होता है इनका, एक मार्क्स से चुकी है। और हम आशा करते हैं हमारी पूरी टीम के तरफ से, हमारी बिहार दैनिक न्यूज चैनल के टीम के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं जितेंद्र सर को भी, इनके कोचिंग संस्थान के लिए और जूली कुमारी के लिए। हमारे गौरा पंचायत की जूली कुमारी जो पूरे खगड़िया जिला में टॉप की है और बिहार में 11वां स्थान लाई है, इससे इस क्षेत्र के सभी जनता एवं यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जिस दिन इस बच्ची का रिजल्ट आया उस दिन से लगातार जिला से बहुत जगह से फोन आ रहा है कि आपके क्षेत्र की बच्ची ऐसा की है वैसा की है, बिहार में 11वां स्थान। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आगे इसके पढ़ाई में अगर कोई आर्थिक संकट आएगी तो हम लोग साथ खड़े हैं और आर्थिक रूप से ढेर मदद करेंगे इनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम सीधा रुख करेंगे बेला चुनरी पंचायत के मुखिया अनिल महतो जी हमारे साथ है। तो सर अनिल जी, जैसा कि हम बता दें हमारे अमित देव जी ने आज 5100 रुपया से पुरस्कृत किया इस छोटी सी बच्ची जूली कुमारी को। अब सीधा चलेंगे अनिल महतो जी के पास। अनिल महतो जी, आप इनके भविष्य के लिए क्या कहना चाहते हैं और अपने ग्राउंड में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको क्या कह के आप हमको लाभ देना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं इस बच्ची को अपनी तरफ से और अपने पंचायत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि इन्होंने अपने लगन से हमारे पूरे समाज का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं इस तहे दिल से उसको आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। और नहीं, इसके पढ़ाई का जो भी प्रस्तावित समस्या जो आई है हम लोग निश्चित रूप से साथ करें और जो भी जहां तक बना पड़ेगा निश्चित रूप करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद आपका। अब क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद महोदय श्रीमान अनिल तांती जी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जो ज्यादा आप इस बच्चे के भविष्य के बारे में बताएं और क्या कहना चाहते हैं आप इसके भविष्य के लिए। भविष्य के लिए क्या कारण है तो सवाल दोनों पंचायत हो गया, जिस तरह से जैसे ये दौड़ हो गया है इस तरीका से दोनों पंचायत में करके उनको पटौती लेकर के आगे। तो जैसा कि ये इनका कहना हुआ, जो भी संकट इनके ऊपर आएगी, आर्थिक संकट हो या मतलब जो भी इनके पढ़ाई को बाधित नहीं होने देंगे और लगातार सभी दोनों ही पंचायत के प्रतिनिधि ये प्रयास में रहेंगे कि ये जितनी बुलंदी तक जा सके वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये तो हो गई बच्ची के लिए। और सर जितेंद्र कोचिंग संस्थान जो है आपके चौक पे बहुत दिनों से चल रहा है, जैसा कि हम जो पिछले वर्ष में इनके रिजल्ट में हम शामिल थे उस समय भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इस बार का भी परफॉर्मेंस इनका काफी सराहनीय है क्योंकि जिला स्तर का रिजल्ट लाके आप लोगों के लिए है। इस कोचिंग संस्थान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छा सर रिजल्ट निकला है। हो सकता है अगले बार होगा 2010 में इससे भी अच्छा कोई समस्या है। जैसा कि हमारे जितेंद्र जी बता चुके हैं जो वो काफी प्रयासरत हैं और अगली बार भी यहाँ पे आए हुए अभिभावक और जितने भी हमारे अतिथिगण हैं उनका भी ये कहना है जो ये अगले साल और बेहतर रिजल्ट देंगे और मतलब हीरा फोन के मेला और दोबारा पंचायत से निकालेंगे। तो ये स्थिति और ये सभा जो इतनी बड़ी सभा है, इतना ग्राउंड जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ जूली कुमारी के सम्मान के लिए उनके रिजल्ट के लिए यहाँ पे पधारित थे। कैमरा मैन सरमन कुमार के साथ मैं सुरज कुमार झा विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।